राजस्थान शिक्षा विभाग का एक हैरान करने वाला निर्देश सामने आने के बाद राजनीतिक दलों सहित शिक्षक संगठनों में हलचल मच गई है। विभाग का ये फरमान वायरल हो गया है, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा बीजेपी विधायकों और जिलाध्यक्षों को अपने चहेतों और रिश्तेदारों के इच्छित स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर बाकायदा एक प्रारूप भी डाला गया है, जिसमें प्रारूप को भरकर उसे ईमेल करना होगा। इस फरमान के बाद सरकार एक बार फिर विवाद में घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल ही उठाया जा रहा है कि क्या अब शिक्षा विभाग नाते रिश्तेदारों के ही ट्रांसफर के लिए रह गया है। और इस मामले पर क्या कहना है पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा का, आइए आपको सुनाते हैं। शिक्षा मंत्री के कार्यालय से जो पत्र जारी हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में होने के रसूख का इस्तेमाल करके आम जनता की दो साथ कुठारा गाद कर अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं उन सबको प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण में वरीयता देना चाहती है। ये मॉरली, एथिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। अगर इस फरमान को वापस नहीं लिया गया और इसीलिए क्षमा नहीं मांग ली तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। और पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है कि गत 4 वर्षों में कैसे नेपोटिज्म को बढ़ाया जाता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण विधानसभा की चतुर श्रेणी भर्ती में भी देखने को मिला था। तो बता दें कि आपको शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, हैरान करने वाला ये निर्देश है, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं और शिक्षा विभाग द्वारा बीजेपी विधायकों और जिलाध्यक्षों को अपने चहेतों को और रिश्तेदारों को इच्छित स्थान पर ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए शिक्षक नेता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो निर्देश दिए जाते हैं या जो आदेश जारी होते हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो कर्मचारी होता है वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होता, वो सरकार का एक अंग होता है, सत्तारूढ़ दल का अंग होता है। उसके लिए एक, अगर हमारे सर्विस कंडक्ट रूल की बात करें तो किसी भी की मंत्री या किसी भी की सिफारिश मान्य नहीं होती, कोड ऑफ कंडक्ट रूल के खिलाफ होता है। और सरकार ने जो कहा है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक ही सिफारिश करेंगे तभी उनका तबादला होगा, ये बिल्कुल गलत है। संगठन इसका पूर्ण विरोध करता है। अगर बात करें कि सरकार अपने चहेतों को लाना चाहती है, लेकिन जो आम जन है, आम शिक्षक है, आम कर्मचारी है, उनका कौन होगा? उनकी जिनकी सिफारिशें नहीं है, अगर बात करें तो 7 साल से तीसरे गैर शिक्षकों के तबादले नहीं हुए, करीब 17 साल से प्रतिबंधित जिलों के तबादले नहीं हुए, उनके आवेदन भी मांगे जाए। हम ये मांग करते हैं सरकार से, अपने चहेतों का, सरकार की पावर रहती है चहेतों का करती है, ये खुलासा हो गया तो ये बात बाहर निकल के आ गई। नहीं, चहेतों के लिए अभी लिस्टें निकलती रहती है, उनको तो प्रतिबंधित जिलों से सीधे अपने गृह जिले में भेज दिया जाता है, लेकिन जो आम है, करीब 28,000 एप्लीकेशन है प्रतिबंधित जिलों की, जो 17 साल से बाट जो रहे हैं अपने घर आने के लिए, उनका भी कोई धनी दोरी कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो संगठन ये मांग करता है कि पहले आम जन की सुने, उनसे भी आवेदन लिया जाए, उनको भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, वो भी वोटर है, वो भी सरकार को चुनते हैं, तो उनकी भी बात रखने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार द्वारा चहेतों को इस तरह लाभ दिया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सब जानना चाहेंगे कि क्या शिक्षक संगठन अब इसका विरोध करेगा? निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जो सर्विस रूल्स के खिलाफ है, जब डिजायर किसी मंत्री की, किसी राजनेता की डिजायर करके आता है, हम इसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं। साथ में ये भी मांग करते हैं कि तबादले सबके लिए खुले, और एक स्थानांतरण नीति की पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं शिक्षक संगठन कि स्थानांतरण नीति लागू की जाए, जिससे कि ये जो राजनीतिक प्रभाव है ये कम हो। तो सरकार कहती है कि हम स्थानांतरण नीति लिया है लेकिन अगले साल लागू करेंगे, सरकार के 5वें साल में सरकार आ चुकी है लेकिन अब तक स्थानांतरण नीति लागू नहीं की गई। अगर स्थानांतरण नीति लागू हो जाएगी तो तबादला उद्योग और ये अपने चहेतों को पहुंचाने का जो बैकडोर एंट्री है वो भी बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल विपिन जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपको बता दें कि अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शशि भूषण शर्मा, जो कि शिक्षक नेता है।
शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आदेश जारी किया गया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। शशि जी आप क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जैसा कि शिक्षक नेता विपिन शर्मा में बता रहे थे कि इस तरह से सरकार द्वारा चहेतों को लाभ देना बिल्कुल भी उचित नहीं है और जो शिक्षक संगठन है वो पुरजोर इसका विरोध करेगा। तो बता दें कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा एक निर्देश सामने आया है, हैरान कर देने वाला ये निर्देश है, एक फरमान दिया गया है जिसमें उनके चहेतों और रिश्तेदारों के इच्छित स्थान पर ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। एक प्रारूप बकायदा राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाला गया है, उस प्रारूप को भरकर ईमेल करने के लिए कहा गया है।